देखो फारिया, मेरी और तुम्हारी जिंदगी बहुत बदल चुकी है। अब इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। जबरदस्ती का तालुक इस हवेली से बन गया है तो आना तो पड़ेगा। किसी और तालुक से भी तो आ सकते हैं और वो जबरदस्ती का भी नहीं था। आप उन बातों का जिक्र ना किया करें तो ज्यादा बेहतर होगा। माफ कर देना मुझे, माफ कर दे। अगर मेरे माफ करने से तुम्हें तसल्ली होती है तो ठीक है, मैंने माफ किया तुम्हें। क्या हुआ? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? ऐसे तुम्हारी फजूल बातों का कोई जवाब नहीं मेरे पास, जाओ अभी यहाँ से। किसी और पे दिल आ गया है? इसे पता क्या, तुमसे कोई और बाइट भी नहीं है। क्या समझती हो, गुलाम हूँ तुम्हारा? हो तुम गुलाम, और तुम्हारे जैसे लोग इसी काबिल हैं कि उन्हें गुलाम बनाया जाए। क्या हुआ, सच बर्दाश्त नहीं हो रहा? ओ, सच की बात तुम मत करो फारिया बेगम। सुनना चाहोगी सच? सुनो, जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है, उन्हें जलील करवा सकती है, अपने मंगेतर को धोखा दे सकती है, शादी की रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग सकती है, खुदा की कसम वो लड़की किसी की नहीं हो सकती। तो धोखा तुम्हारी फितरत में है। आइंदा से मुझे मेरी औकात याद दिलाने से पहले अपनी औकात याद कर लेना। आई समझ?